जय हिंद दोस्तों, क्या आप सोच में पड़ गए कि आखिर कौन है ये लड़की और क्यों इसे स्वीडन में चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज से सम्मानित किया जा रहा है। दोस्तों एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि आपके सारे सवाल कब क्यों कहां और कैसे का जवाब हम आपको देंगे। टुडे स्टोरी इज ऑल अबाउट इनोवेशन, कमिटमेंट एंड एफर्ट्स टू सेव आवर एनवायरनमेंट। हम आप तक वो सारे इंस्पिरेशनल स्टोरीज लेकर आते हैं रियल लाइफ सुपर हीरोज की, जो आपको अपने देश के बारे में प्राउड फील करवाते हैं। तो फिर जल्दी से आपके अपने चैनल सिपिक्स को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को लाइक भी कर दे, ताकि ये कहानियों का सिलसिला यूं ही चलता रहे और हमारा साथ कभी ना छूटे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया में हर एक चीज की एक कीमत होती है, जो कि हर बार जरूरी नहीं कि वो पैसों से ही चुकानी पड़े। इस आधुनिक युग में जहां टेक्नोलॉजी इतने तेजी से आगे बढ़ रही है और लोगों की जिंदगी भी बदल रही है, लेकिन इस बदलाव और आधुनिकता के कारण कई बार इसकी कीमत क्लाइमेट चेंज के रूप में एनवायरनमेंट और इंसानों को चुकानी पड़ती है। लेकिन 14 साल की विनीशा उमाशंकर ने ठान लिया कि वे इस क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में पीछे नहीं रहेंगी। हमारे देश में दोस्तों हर दिन कई लाख किलो कोयले को जलाया जाता है कपड़े प्रेस करने के लिए चारकोल प्रेस से, जिसे भारी मात्रा में पोल्यूशन फैलता है। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तमिलनाडु से बिलोंग करने वाली विनीशा ने एक सोलर आयनिंग मोबाइल कार्ड का डिजाइन तैयार किया, जो सोलर एनर्जी से 5 घंटों में फुल्ली चार्ज होता है और लगभग 6 घंटे का बैकअप देता है। और उन दिनों में जब सोलर एनर्जी अवेलेबल नहीं होता, तब इस कार्ड की बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जा सकता है। विनीशा ने नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन की मदद से एक प्रोटोटाइप तैयार किया और इस डिजाइन को पेटेंट भी करवाया आयन मैक्स के नाम से, जिसके चलते उनका इनोवेशन पूरी दुनिया में तहलका मचा रहा है। आइए बता दे आपको कि ये सब शुरू कैसे हुआ था। दरअसल एक दिन विनीशा जब अपने मम्मी के साथ कपड़े प्रेस करवाने के लिए ले गई, तभी उन्हें रियलाइज हुआ कि चारकोल प्रेस कितना नुकसान पहुंचाता है हमारे एनवायरनमेंट को और वेंडर्स को भी। तभी उन्होंने सोचा कि अब वे इसके बारे में कुछ तो जरूर करेंगी, और वही से शुरू हुआ सिलसिला सोलर आयनिंग कार्ड के डिजाइन का। दोस्तों ये सोलर आयनिंग कार्ड वेंडर्स को मोबिलिटी देती है। जरा सोचिए, आपके दरवाजे पर वेंडर्स आके आपके कपड़े प्रेस कर दे तो कैसा रहेगा, और वो भी बिना पोल्यूशन फैलाए। दोस्तों इसी इनोवेटिव डिजाइन के वजह से विनीशा को कई अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशंस मिले, जैसे कि 2019 में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड्स, 2020 में स्वीडिश चिल्ड्रंस क्लाइमेट प्राइज, और 2021 में तो उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार और ब्रिटिश इको प्राइज के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया। उन्होंने अपने एजुकेशन को और एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बखूबी बैलेंस किया है। दोस्तों वे क्लास टॉपर होने के साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में एक लीडर बनकर भी उभर रही हैं। विनीशा आज के डेट में उनके डिजाइन को कॉमर्शियली लॉन्च करने में लगी हुई हैं, जिससे एनवायरनमेंट का और इंसानों का भला होगा। दोस्तों हमारे गवर्नमेंट ने वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड का कंसेप्ट दुनिया भर के सारे देशों के सामने पेश किया है, जिसके चलते एक कमर्शियल एनर्जी ग्रिड बनाई जाएगी और नेशंस एक दूसरे को सोलर एनर्जी उपलब्ध करवा पाएंगे। और इतना ही नहीं, COP26 ग्लासगो समिट में ये घोषणा किया गया कि इसरो दुनिया को एक सोलर एनर्जी कैलकुलेटर ऐप देने वाली है, जिससे दुनिया में किसी भी जगह की सोलर पोटेंशियल कैलकुलेट की जा सकती है। एक ऐसे टाइम में जहां हमारा देश बढ़ चढ़कर क्लाइमेट चेंज की लड़ाई में हिस्सा ले रहा है, उसी बीच विनीशा जैसे यंग टैलेंट्स का योगदान काबिले तारीफ है ना।
Hats off to Vinisha Umashankar and all the innovative minds out there who stand still to protect our environment. कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसी लगी ये अनोखी सुपर इंस्पिरेशनल स्टोरी ऑन ए फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज. दैट्स ऑल फॉर नाउ. सी यू इन द नेक्स्ट एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द गुडनेस विद द पीपल यू केयर अबाउट. जय हिंद, जय भारत.